आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस आरपीआर एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे न्यूज़ के बारे में, जो कि आप लोग का ज्वाइनिंग से संबंधित है। पूरी न्यूज़ आप लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं लाइव वीडियो के साथ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले बिहार कार्यपालक सहायक पैनल 2018 की। जो लोग मधुबनी जिले के पैनल में है 2018 वाले, उनका ज्वाइनिंग कब तक होंगे इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, साथ ही साथ सभी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मधुबनी ज़िले में, दोस्तों जो कैंडिडेट 2018 में पास आउट हुए थे, जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है, सभी कैंडिडेट जो है, जो सीनियर और जूनियर है, सभी मिलके जो है डीएम साहब से लगभग आज से 10 दिन यानी 12 दिन पहले भेंट किए थे, यानी कि 17 जुलाई 2019 को भेंट किए थे। तो बता दूँ इस भेंट के दौरान जो है खुशखबरी निकल के आया था कि डीएम साहब 10 दिन का मोहलत दिए थे कि 10 दिन के अंदर जो है आप लोग का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। बाढ़ के कारण ज्वाइनिंग रोक दिया गया था, तो 10 दिन का समय दिया गया था, ठीक है। फिर दोस्तों 10 दिन के बीच जाने के बाद आज जो है 30 जुलाई 2019 है, ठीक है, आप लोग को बताना चाहूँगा, यानी कि लगभग 13 दिन का यहाँ पर आप लोग का टाइम हो गया है। 10 दिन का टाइम दिया गया था, 3 दिन ज़्यादा यहाँ पर ले लिए डीएम साहब, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसी बीच में 29 जुलाई 2019 को, यानी कि आप लोग को बता दूँ 29 जुलाई यानी कि एक दिन पीछे की डेट को जाएंगे, तो एक ऑफिशियल वेबसाइट में एक सूचना जारी किया गया कि पूर्ण नियोजन होने वाला है। जो कर्मी जो है पहले जिनको जॉब से बाहर कर दिया गया था काम नहीं रहने के कारण, तो उनका जो अभी ऑफलाइन फॉर्म भराया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो लोग 2018 वाला पैनल में है, उन लोग का कहना है कि आप जबकि बोले हैं कि 10 दिन में आप 2018 वाला पैनल का यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा, यानी कि नोटिस दिया जाएगा, तो फिर हम लोग से पहले यहाँ पे पूर्ण नियोजन का नोटिस किस आधार पे दिया जाएगा। यानी कि पहले ही बताया गया कि ज्वाइनिंग जो है बाढ़ के कारण रुकी हुई है, इसी बीच अभी पूर्ण नियोजन का हो रहा है। तो इसी के चलते आज दोस्तों जो है जो भी जितने भी सीनियर कैंडिडेट है, जूनियर कैंडिडेट है मधुबनी ज़िले में 2018 के पैनल में, उन सभी दोस्तों आज जो है डीएम के पास फिर पहुंचे हैं। तो चलिए ये क्या सब बातें हुई है वो चर्चा करेंगे और लाइव वीडियो आप लोग को दिखलाएंगे। तो बताते हैं चलिए यहाँ से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है अभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं कि डीएम साहब को यहाँ पे एक पत्र दे के, प्रार्थना पत्र दे के यहाँ पे जो है उनको, उनसे आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारा जो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द किया जाए, ठीक है। आप दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा डीएम साहब की ओर से जो है अभी जानकारी दी जा रही है कि जो बाढ़ के कारण है आप लोग का जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, और इसी मंथ में आप लोग का ज्वाइनिंग दे देने का जो है पूरी संभावना था, लेकिन अभी जो है आप लोग का अगस्त के लास्ट तक, ठीक है, यानी कि अगस्त के लास्ट तक आप लोग का जो ज्वाइनिंग पूरा यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर खुशखबरी है, ये 100% न्यूज़ बता दिए है वेबसाइट में। आप लोग जो है अगस्त के लास्ट तक आप लोग जो है यानी चौथे वीक तक आप लोग का ज्वाइनिंग का लिस्ट सूची जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरी न्यूज़ आप लोग को बता दिए वीडियो के माध्यम से। अब जो आप लोग को दो वीडियो दिखवाने वाले हैं, तो वो वीडियो देख के आप लोग कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। वो आउटसाइड वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग चाहे तो वीडियो दोनों देख सकते हैं, अभी प्ले होने वाला है तो समझ सकते हैं, ठीक है। हेडफोन लगा के अच्छे से समझिएगा, और लास्ट में आप लोग को बताना चाहूँगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सारे आदमी शहबाज जी को बातों से मतलब सारे आदमी बात कर ही चुके हैं, तो उस दिन की जो बात है उसका मैं पहले जिक्र कर देना चाहता हूँ। जो शनिवार को जो हम लोग गए, वो शनिवार को डीएम साहब कहे, शहबाज जी के मुखातिब से जो हम सुने वही चीज हम रिपीट करना चाहते हैं। जो शनिवार को बोले वो डीएम साहब, जो हम लोग ये मुख्य प्रधान सचिव जो हैं वो अभी रोक लगाए हैं, लेकिन मैं एक महीना के अंदर में ये नियोजन दूंगा। हाँ, तो ये शहबाज जी हम लोगों को आके बोले, तब मैंने वहीं पे कह दिए जो नहीं, मुझे जब प्रधान सचिव रोक दिए हैं तो फिर मैं कैसे विश्वास कर लूंगा जो ये एक महीना में दे देंगे। एक महीना के बदला एक साल भी लग सकता है, इसीलिए मैंने उसी मैदान में उसी कैंपस में मैंने कह दिए जो मुझे सिर्फ आंदोलन चाहिए, वो भी अनशन और भूख हड़ताल, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं सूझता है। तो मुझे जितने भी मेरे सहयोगी थे, जिसमें ये भी थे सरोजी, ये भी कहे जो नहीं पुनः पहले विचार करिए, तो आज यही विचार के लिए हम लोग आए हैं। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इनमें वरिष्ठ जो है, जो अनुभवी हैं, उन लोगों से मेरा सबसे पहले अपील रहेगा जो वो लोग अपना अपना कुछ ओपिनियन दे,
और उसी ओपिनियन पे फिर जूनियर से भी लिया जाएगा, सलाह जूनियर से भी लिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैं भाई साहब को कौन पहले अपना विचार देना चाहते हैं, सर आप ही पहले, आपका शुभ नाम क्या है, आप ही अपना विचार जी। स्वाभिमान का लड़ने के लिए एक अकेला काफी है, वही हिम्मत है तलवार मेरी, तो बाजू है लश्कर मेरा, मैदान छोड़ के भागना नहीं है, आप बोलिए, क्योंकि आप पे एक मिनट, आलोक जी बात आप कहने का मतलब ये है, आप ठीक है, ठीक है सर, आपका नाम क्या, विचार करेंगे। निशिक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा बैठ के रहने से कुछ नहीं होगा, करना है तो जल्दी करवाइए, 10 दिन का टाइम दिए थे वो भी कैंसिल कर दिए, अब क्या जवाब देते हो तो क्लियर कीजिए, लेकिन ऐसा हंगामा नहीं करना है, उनके अंदर इतना शक्ति है खत्म भी कर सकता है, फिर से एग्जाम ले सकता है, इसीलिए डिसिप्लिन में ही कुछ काम किया। तो बोले हमको पता है सब कुछ, आप लोग निफिकी रहिए, आप लोग का नियोजन जल्द से जल्द हो जाएगा, तो हम लोग सोचे सर वो तो हमको 7 बजे हमने उसको डीएम साहब भी बोले, फिर 10 दिन के बाद बोले आने के लिए, तो 10 दिन के बाद भी हम लोग गए, तो बोले कि और 1 महीना वेट कर लो, इसके बाद हो जाएगा। ये करते करते सर हम लोग का नियोजन कब तक होगा वो आप स्पष्ट हमको बताइए। तो वो बताए कि देखिए अभी बाढ़ की स्थिति मधुबनी में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे त्रास भी बहुत ज्यादा है, 2-4 जगह का ब्लॉक का नाम बताए कि वहाँ पे आप लोग जाके खुद चेक कीजिए कि किस तरह से वहाँ के घटना घटित है। अभी हम लोग ये क्या कहते हैं, इस कार्यपालक सहायक से संबंधित कोई भी फाइल को अभी हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ये क्या कहते हैं बाढ़ से संबंधित फाइल को देख रहे हैं। तो बोले सर कब होगा हम लोग का काम स्टार्ट होगा, वो बोले कि आप लोग 15 तारीख तक आप लोग का काम नहीं होगा, 15 तारीख के बाद से 16 तारीख से आप लोग की काम में हम लोग गिर जाएंगे, तो यानी ये आश्वासन हम अगर पुनः बाढ़ नहीं आया तब। हाँ, दूसरी बात वो भी बोले अगर बाढ़ नहीं आई तो 15 तारीख के बाद हम देंगे, अगर बाढ़ आ गए तो फिर 15 तारीख को भी हम नहीं देंगे। इतना कहने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया, तो हम लोग बोले सर लिखित दे दीजिए, तो लिखित देने के लिए तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं होते हैं, वो आप लोग का। इसके बाद हम ये भी बोले सर को, सर अगर मधुबनी में बाढ़ से जितना क्षतिग्रस्त है व्यक्ति उससे ज्यादा हमारे 2018 के फाइनल मेरिट लिस्ट में 1586 स्टूडेंट भी डिप्रेस में है सर, उन लोग का जितना डिप्रेशन में है उससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि नहीं, तो हम यहाँ का सर जितना पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया गया सर कोई जिला में नहीं लिया, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द नियोजन किया है। बोले आप लोग निफिकी रहिए, आप लोग का कोई पैनल भी कैंसिल नहीं कर सकता है, ये बात नहीं बोले, क्योंकि सर जो जिला पीछे किया माने होने के बाद सब जिला दरभंगा का या सीतामढ़ी पटना को ज्वाइन करवा दिया, मुजफ्फरपुर मेरे जानकारी इतना आप लोग बोल सकते लेबर वाला तो बोल रहा है। हाँ, इसके बाद हाँ दूसरी बात हम ये भी बात बोल रहे हैं सर, आपको 5 अक्टूबर 2018 को पुनर्नियोजन कार्यपालक सहायक का आपने साइड पे डाले थे, ठीक है, इसमें से आपने 23 कार्यपालक का पुनर्नियोजन किया, फिर आप 27/7/2019 को फिर आप साइड पे डाल दिए पुनर्नियोजन से संबंधित कार्यपालक साइड सर, अब जब पैनल में आप कोई है ही नहीं तो फिर आप क्यों डाल दिए, तो बोला वो कुछ नहीं है, अगर कोई बचा उचा स्टूडेंट होगा तो वो उसको भर सकता है, बस इतना बात हुआ उससे ज्यादा। ये 2018 से उसको कोई लेना देना मतलब अभी बाढ़ का काम चल रहा है, ध्यान है पैनल नहीं, तो वो भी वो बोले हैं मानवता हमको पहले देखना पड़ेगा, वो बोले एडीएम साहब पहले हमको मानवता देखना पड़ेगा, नियोजन आप लोग का 100% होगा, बाढ़ में फंसे हुए कहाँ थे भैया, आपको हम मैसेज के भाषा छोड़ते थे।